लास्ट बार जब बात की उसके बाद वहां से लगातार वीडियो आए, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके अलावा उसने वहां निकाह भी करना बताया है। क्या कंफर्मेशन आपके पास अब तक आई है? मेरे तरफ से तो उसने उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है। ठीक है, उसके पास नहीं थी, वो गई पड़ोस में गई है दावत खाने, ये भी पता चल गया है मेरे को। कैसे आप कंफर्म मान रहे हैं इस बात को कि उनका निकाह हो चुका है, इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? वो इंटरव्यू में एक पत्रकार ने वो फोन पे बात किया था जी, उस क्लियर कट उसी पे बात मैंने सुन ली है। जिस दिन आपने उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी उस दिन भी उन्होंने लास्ट में कहा था कि शादी के बारे में जिक्र वो कल करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपकी बात हुई? नहीं हुई है मेरी, उस दिन हुई है जिस दिन निकाह कर ली, तो उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो वहाँ उन्होंने दावा किया कि वो तलाक पहले ही यहाँ लगा चुकी है, क्या ऐसी कोई जानकारी थी? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आदेश भी नहीं आया, ना मैं कोर्ट गया हूँ। कभी आपके पास कोई ऐसी ताबील भी नहीं आई कोर्ट से? नहीं, कोई ताबील भी नहीं आया, आया भी होगा तो क्या पता इन्होंने छुपाया भी होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कई दिनों से आप सफर कर रहे हैं, पूरे माहौल को आप झेल रहे हैं, क्या सरकार से आप मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए जो आपको कहीं राहत दे सके? मेरी सरकार से दरख्वास्त है पासपोर्ट वीजा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीजा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है, ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। परिवार ने दावा किया था कि थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब रही है, क्या कभी इलाज रहा इस चीज का आपके? वो तो अभी भी मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, यहाँ थी तो भी थी, सर दर्द होने लगता था, किसी बात के लिए दर्द था ही उनका सर। बच्चों से व्यवहार में कहीं उन्होंने एहसास होने दिया कि कहीं? नहीं ना 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 ना, बच्चों से तो बहुत प्यार से रखती थी, बर्गर खिलाती थी, ले जाती थी, घुमाती थी। क्या ये पाकिस्तान जाने से पूर्व भी वो कहीं इधर उधर कहीं कभी घूमने के लिए गई एक दो दिन के लिए? ना, घूमने के लिए नहीं गई थी, वो जब 14 तारीख को उन्होंने छुट्टी ली थी, शुक्रवार शनिवार ऐसी पड़ रहा था, मैं भी छुट्टी पे था, हमारी कंपनी भी छुट्टी दे रखी थी, वो भी उसकी छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी ले रखी थी, कह रही थी मेरी छुट्टी है, मगर वो कह रही थी मेरे को दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए। अब वहां से आने के बाद वो दावा कर रही है कि वो आएंगी वापस, वीजा खत्म होने वाला है, बच्चों से भी मिलना है, उन्हें बच्चों में पूरा प्यार है, तो क्या आपका स्टेप रहने वाला है आगे? बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो अगर वो आएगी भी तो ना, केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आके दावा करती है बच्चों पर, अपने हक पर, अपने पति पर, तो क्या उसके लिए आपके कदम होंगे? मेरे पे क्यों करेगी हक, उस पहले ही से मेरे से मांग रही है तलाक, तो मेरे से क्यों हक करेगी? बच्चे मांग रही है तलाक, अभी हुआ थोड़ी है, मांग रही है तो मैं कहां से, वो तो पहले ही से कह रही है ना कि दिल्ली में मैंने जमा कर रखा है तलाक का पेपर, मैं कभी गया है ही नहीं, दिल्ली मेरे को लेके गई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो दौरा है उनका जाना, 1 महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है, कभी मेरे को कभी आया ही नहीं है वीजा के बारे में जानकारी। क्या लगता है कोई मददगार भी रहा होगा, या आपकी पत्नी खुद सक्षम थी इस सब चीजों के लिए, करा सकती थी? भाई जब वो पाकिस्तान जा सकती है तो वीजा भी करा सकती है अकेले, तो क्या कोई सहयोग रहा हो? वो पता नहीं क्या सहयोग, क्या पता उसका सहयोग हो उधर से, क्या कभी वो आया भी हो, ऐसा भी हो सकता है आया हो इधर, पता नहीं चला हो, उसने वीजा बनवा रखा होगा आने जाने का पहले ही से, जब उसको पहले ही से 2 साल से कह रहा है कि हम वो कर रहे हैं 2020 से ही, ये लॉकडाउन हो गया, क्या होता वो बीच बीच में आया हो? क्या मुख्य मांग अब आप सरकार से करते हैं, किस तरह की जांच हो और क्या किस लेवल की जांच हो? मैं तो कह रहा हूँ पूरी ढंग से जांच हो वीजा की, ठीक है, कई फर्जी साइन तो ना है हमारे, ठीक है, पासपोर्ट वीजा बंद एकदम कर दो, उसको जाने मत दो कहीं। अगर वो यहाँ आती है तो आप क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर रखूंगा, जब तक बच्चे ऐसे नहीं करेंगे ना तब तक मैं नहीं रख सकता। अगर बच्चे 1% अपनी माँ के प्रति ममता दिखाते हैं तो क्या आप कर पाएंगे? वो अगर मेरी बेटी बोल देगी कि पापा रख लो तो रखूंगा। अब आगे आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे, या क्या सोच के विचार आपने बनाए हैं? अभी कानूनी कार्रवाई तो एक तो पहले तलाक के कागज के लिए मैं करूंगा। आप अपनी तरफ से दावा करेंगे तलाक? हाँ, तलाक के लिए करूंगा, इसलिए कि मैंने तलाक का कोई कागज मैंने नहीं दिया है, और जो कह रही है दिल्ली में है, मैं दिल्ली गया ही नहीं हूँ।